श्री हरी प्रोडक्शन ऐसी वती हरिओम मराठी पिक्चर वती अखंड महाराष्ट्र सर्व जनते गणपति बाप्पा खूब खूब शुभेच्छा। हा दोन वर्षांनी आलेला सण खूब जोमाने आणि खूब मोठ्या प्रेमाने साजरा व्हावा ही आमच्या प्रोडक्शनच्या वतीने खूब खूब शुभेच्छा। धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया। 14 ऑक्टोबरला रिलीज होणारी मराठी मूवी हरिओम से आज मी सिद्धिविनायक न्यासचा विश्वस्त म्हणून त्या सर्वांना कलाकारांना शुभेच्छा देतो आणि बाप्पाच्या न्यास त्या सर्वांनीच प्रार्थना केली की मुलीला चांगलं यश मिळावं प्रसिद्ध व्हावी एवढंच मी त्या निमित्त। सर आप क्या मांगे बप्पा जी से पिक्चर के बारे में क्या शुभकामनाएं होगी और पिक्चर किस तरह की? बस बापा को एक ही विनती है कि ये जो मराठी चित्रपट बनाई है ये ज़्यादा से ज़्यादा समाज में युवा के लिए बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको और अपने बंधु भाईचारा जो है ये फिल्म से। आज सिद्धिविनायक गणेश जी के चरणों में आज हरिओम फिल्म की पूरी टीम यहाँ पे आई है। हरिओम के निर्माता आए हैं, कलाकार आए हैं और उनकी पूरी टेक्निकल टीम भी यहाँ पे मौजूद है। इस पिक्चर के माध्यम से हम पूरे देश भर के लिए एक अच्छा संदेशा देना चाहते हैं कि पिक्चर ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। तो इस मूवी से आज पूरे देश भर में दो भाइयों के प्यार की मिसाल क्या होती है और एकता में विविधता क्या होती है और अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज 21वीं सदी में नए नौजवान कैसे लड़ाई करते हैं ये सब आप देखोगे इस मूवी में। बड़ी जानदार मूवी है। इस मूवी में हम सब पारिवारिक मूवी है और एक अच्छा इसमें कॉमेडी भी हर चीज़ है और रोमांस भी है। मतलब आप देखा जाए तो जब आज आप देखोगे तो बस हर एक पिक्चर में बस एक प्रेम कहानी रहती है। तो इस पिक्चर में थोड़ा अलग है और इसमें जो भी स्टंट है इन कलाकारों ने पूरे स्टंट है और डायरेक्ट स्टंट किए हैं और इस वजह से कुछ भी डबिंग नहीं है। इसलिए हरिओम ये मूवी आने वाले 14 अक्टूबर को हर थिएटर में रिलीज होने वाली है। आप सबसे निवेदन है कि अपने परिवार के साथ बहुत से लोगों के साथ ये मूवीज अवश्य देखें। क्या ऐसा कुछ पिक्चर में देखने को मिलेगा जो फैमिली है? नमस्कार, मी डिरेक्टर आणि हरिओम घाडगे ह्या पिक्चरचे निर्माता आहेत। त्यांनी यात कामही केलं आणि मला सांगायला फार आनंद होतो की ज्या काळात आमची इंडस्ट्री अक्षरशः झोपली होती म्हणजे जो लॉकडाऊनचा काळ होता आणि त्या काळात एका मराठी माणसानी हिंमत करून हा चित्रपट बनवला आणि इंडस्ट्रीतल्या म्हणजे एक चित्रपट जेव्हा बनतो तेव्हा इंडस्ट्रीतल्या कमीत कमी 200 लोकांना रोजगार मिळतो, त्यांना पैशाचं साधन ते फार मोठं आहे आणि ही फाईल फार मौल्याची कामगिरी केली कारण तेव्हा इंडस्ट्री अक्षरशः झोपली होती आणि हिंमत करून धाडस करून हरिओम घाडगे यांनी चित्रपट तेव्हा निर्मिती करायचं ठरवलं आणि यशस्वीरित्या आम्ही पार केला आणि आमची ही कामगिरी पार पाडण्यामध्ये बाप्पाचं फार मोठं योगदान होतं, बाप्पाचे आशीर्वाद होते आणि म्हणूनच आता आमचा चित्रपट 14 ऑक्टोबरला रिलीज होतो आहे। त्यासाठी आम्ही बाप्पाच्या चरणी नतमस्तक व्हायला इथे आलो आहेत आणि आमची खात्री आहे की बाप्पाने आम्हाला भरभरून आशीर्वाद दिले असतील आणि तशीच महाराष्ट्राची जनतासुद्धा हरिओम या चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद। गणपती बाप्पा सर्व देशाचं आराध्य दैवत स्मृतिस्थान असलेल्या सिद्धिविनायक गणेश मंदिरामध्ये हरिओम या पिक्चरचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आलेला आहे आणि सगळ्यांचं चित्रपट रसिकांचं लक्ष वेधणारी असा हा मराठी चित्रपट एका कोकणच्या भूमिपुत्रांनी आपल्या स्वप्नातून साकारलेला आहे आणि एक सत्यता या ठिकाणी आणलेली आहे। या ठिकाणी या पिक्चरचे कलाकार आहेत हरिओम घाडगे, गौरव निर्माता आशिषजी नेवाळकर यांनी स्वतः दिग्दर्शक आशिषजी नेवाळकर या सर्वांनी आपापल्या संकल्पेतून ज्यावेळेला कोरोना काळामध्ये सर्व लोक खूप एका मानसिक अशा आणि खूप एका भीतीच्या दडपणामध्ये होते, कोणीही घराबाहेर पडत नव्हतं, अशा वेळेला बेरोजगारी फैलावली होती, तरी सुद्धा त्या परिस्थितीवर मात करून या कलाकारांनी एक पिक्चरची निर्मिती केलेली आहे आणि अतिशय कौटुंबिक पारिवारिक असा पिक्चर आहे। दोन प्रेम भावांचं जे प्रेम आहे आणि ते एकत्र कसं असावे आणि दोन भाव जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये संताजी आणि सूर्याजी या ज्यावेळेला तानाजी आणि सूर्याजी यांचा जो इतिहास आज देशाला गौरव देतो अशा पद्धतीचा इतिहास या 21व्या शतकातले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे निष्ठावंत मावळे म्हणजे हरी आणि ओम। तर येत्या 14 ऑक्टोबरला सर्व मराठी चित्रपटगृहामध्ये प्रक्षेपित होणारा हरिओम हा चित्रपट आपण सर्वांनी बघावा। या चित्रपटाला
इतर भाषेतून सुद्धा खूपच मान्यता येत आहे। अनेक भाषांमध्ये या पिक्चरचं डबिंग चालू आहे। तर सगळ्या ठिकाणी मागणी होत असलेला हरिओम पिक्चर आज सिद्धिविनायकाच्या चरणी आम्ही घोषित करतोय आणि आपण सगळ्यांनी यांना शुभेच्छा द्या। धन्यवाद। छत्रपती शिवाजी महाराज माझा मनाचा मुजरा आज बऱ्यापैकी आपण सर्वांनी या ठिकाणी जमा झालेलो आहोत। मी एकच सांगू इच्छितो आज हरी आणि होम हा पिक्चर आवर्जून का बघावा, कारण येणाऱ्या कोविडच्या काळामध्ये माणूस की बंधुत्व प्रेम तुटलं होतं। अक्षरशः भाव भावाला विचारत नव्हता, मुलगा बापाला विचारत नव्हता, नवरा बायकोला विचारत नव्हती। ह्या अशा काळामध्ये हा पिक्चर हरिओम घाटगे यांनी या ठिकाणी निर्मित आणलेला आहे आणि म्हणून हे बंधुत्व प्रेम काय आहे या पिक्चरच्या माध्यमातून आपण सर्वांना माहिती पडेल। म्हणून सर्वांनी अखंड महाराष्ट्राच्या जनतेने या भूमिपुत्रावरती भरभरून आशीर्वाद द्यावा आणि हरी आणि ओम हा पिक्चर आपण आवर्जून बघावा थिएटरमध्ये जाऊन। एवढंच मी बोलून या ठिकाणी थांबतो। रामकृष्ण हरी, धन्यवाद। बापाजी का दर्शन भी किए, किस तरह की स्टोरी है पिक्चर है उसके बारे में थोड़ा बहुत। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हरिओम नाम का हमारा फिल्म जो है मराठी फिल्म, और आज उसके टीजर का रिलीज था और हम बापा के दर्शन लेने आए थे क्योंकि उनकी कृपा है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है और ऐसे हालात में और ऐसे वक्त पे बनी है जहाँ पे सारी फिल्म इंडस्ट्री लिटरली मतलब फ्लैट हो गई थी, किसी के पास काम नहीं थे और ऐसे मौके पर हरिओम जी आगे आए निर्माता के तौर पे और उन्होंने इतनी बढ़िया फिल्म बनाने का प्रयास किया और उसमें वो कामयाब हो गए। तो इसलिए हम बापा चरणी प्रार्थना करने आए थे। आता मी मराठीत बोलतो, मी या फिल्मचा निर्माता सॉरी दिग्दर्शक मी या फिल्मचा। नमस्कार, माझं नाव आशिष नेवाळकर आणि मला फार आनंद होतोय की हरिओम या चित्रपटाच्या माध्यमातून दोन नवीन चेहरे मराठी इंडस्ट्रीला मिळत आहेत। आणि खरंच हरिओम हा चित्रपट फार वेगळा आहे कारण मराठीमध्ये ॲक्शनपट म्हणजे ॲक्शन फिल्म बनवायला बरेच निर्माते घाबरतात, पण हे धाडस केलं हरिओमजींनी कारण त्यांना विश्वास होता त्यांच्या स्क्रिप्टवर, त्यांच्या कथेवर, त्याचं लेखनही मी केलं आहे आणि इतकी उत्कृष्ट त्याची मांडणी झाली आहे, फिल्म इतकी छान बनली आहे कारण त्याच्या मागे इंटेन्शन्स खूप प्युअर होते की मराठी माणूस, मराठी माणसाची अस्मिता, मराठी माणूस काय करू शकतो जर त्यांनी ठरवलं तर त्याच्यासाठी काही अशक्य नाही आहे हे दाखवणारी ही फिल्म आहे। आणि त्याच्यात दोन भावांचं प्रेम आहे जे आजकाल आपण बघत नाही, म्हणजे समाजात आपल्याला वेगळं चित्र पाहायला मिळतं, पण एक प्रेरणा देणारा असा हा चित्रपट आम्ही 14 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रासमोर घेऊन येतोय आणि माझी खात्री आहे की महाराष्ट्रातल्या जनतेला हा चित्रपट खूप आवडेल। धन्यवाद। आपण सॉरी परत वन मोर रिलीज डेट कैसा है एक्शन है इसमें आपका। सभी को धन्यवाद। इस समय ये जो चित्रपट हमारी मराठी हरिओम ये पूरी हो चुकी है और आज हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर में आके आप आशीर्वाद लिए है। फिल्म के डायरेक्टर आशीष जी नेवाळकर, ये भी अभी आपसे बात की, और गौरव कदम जिन्होंने ओम की भूमिका की है, मैं इसे हरिओम गाड़ी हरी का भूमिका किया है। फिर उसके साथ हमारी वंदना ताई मोरे जो तारानी ब्रिगेड के अध्यक्ष है और आज यहाँ पे आके हमने सिद्धिविनायक मंदिर में आके बापा के आशीर्वाद दिए। फिल्म दो भाइयों के ऊपर है और आप लोग सभी अपने परिवार के साथ, मित्र परिवार के साथ थिएटर में जाके देखिए, आपको एक पारिवारिक ऐसा ही मूवी देखने के लिए मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसमें संगीत अच्छा है, इसका कंटेंट जो है स्टोरी का ये बहुत आपको दिल को छूने वाला है। तो आप सभी लोग अपने परिवार के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मूवी के बारे में या जैसे इसके टीजर आप शेयर कीजिए और ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुँचा, इतने हमें आपसे आशा है और मैं सबको थैंक यू कहता हूँ। सर आपका नाम भी हरिओम है और फिल्म का नाम भी हरिओम है, तो इससे कोई रिश्ता है फिल्म का आपके नाम से? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट है कि हमारे प्रोड्यूसर हरिओम जी है और इस फिल्म के जो भाई है वो दोनों भाई हरि और ओम, ये दो भाई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट है। और क्या होता है ना कि जो हमें हमारे लिए बहुत लकी होता है, मतलब अगर आप हरिओम जी के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी अपने बलबूते पर आज जो भी उन्होंने खड़ा किया है रियल एस्टेट में, ये उन्होंने अपने बलबूते पर खड़ा किया है। और उसी तरह ये जो दो भाई हैं हमारे फिल्म में वो भी अपने बलबूते पर क्या करते हैं यही कहानी है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, बट आप जब देखेंगे तो हरिओम का कनेक्शन क्या है वो पता चलेगा। ओम जी क्या आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं कब से देख रहा हूँ, आज हमने सिद्धिविनायक मंदिर में टीजर रिलीज किया, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ आप कब से, 3-4 घंटे आप लोग कंटिन्यू हमारे पीछे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों के वैसे हम लोग
और रही बात हरिओम की, तो हरिओम में हरी जो दादा है जो मेरा बड़ा भाई है, फिर आशीष दादा जो डायरेक्टर है ताई, इन लोग सब मेरे से बहुत बड़े सीनियर्स हैं और इनका आशीर्वाद लेके मैंने हरिओम की शुरुआत की। और पिक्चर में एक मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ मैंने, पिक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे जो स्टंट्स किए हमने वो विदाउट हार्नेस किए हैं, बॉडी डबल ली नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज़ दी फर्स्ट मराठी मूवी एवर जिसमें हमने जो स्टंट्स किए वो सारे एकदम माइंड ब्लोइंग है। और सुंदर कहानी है दो भाइयों की बॉन्डिंग, सेक्रीफाइस क्या होता है, जो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सेक्रीफाइस करता है, आपके बड़े भाई छोटे भाई होंगे तो सेक्रीफाइस क्या होता है, वो बॉन्डिंग क्या होती है, वो उसका एक अलग सा वो सुंदर सा ये बना के उसमें रखा है। और आप देखोगे कि कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें कि आज के यंग जनरेशन ने, यंग यूथ ने, जो बाहर लोग ड्रिंक करते हैं, घूमते फिरते हैं, मस्ती मजा करते हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर चीज़ अपनानी चाहिए, दैट इज़ हम लोग बोलते हैं एडिक्शन इज़ ऑलवेज गुड, बट एडिक्शन वर्कआउट का एडिक्शन, बॉडी बनाने का एडिक्शन, या यू नो, तो ये सारी जिम की चीज़ें हमने, मोटिवेशन सारी चीज़ें ये पिक्चर में डाली है, जिससे मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप पूरी फैमिली लेके जाइए और उनके साथ छोटे बच्चे अगर आपके साथ होंगे तो बच्चों को ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि बच्चों को जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो उनके माइंड में छपता है, तो वो सारी चीज़ें मोटिवेशन चीज़ें लेके जाएगा, बच्चा बाहर आएगा तो अच्छी चीज़ें लेके जाएगा, राइट? आशीष जी कहाँ कहाँ रिलीज करने वाले हैं फिल्म? ये फिल्म देखिए, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फिल्म दो लैंग्वेजेस में मतलब रिलीज होने वाली है, एक तो मराठी है तो महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र रिलीज होने वाली है, उसके अलावा हमने साउथ की लैंग्वेज में भी फिल्म को डब किया है, तो हमारा वो भी प्रयास चल रहा है कि ये महाराष्ट्र के बाहर भी रिलीज हो। साउथ की फिल्मों में अक्सर एक्शन एक्शन होता है, तो आपकी फिल्म का क्या रिएक्शन? बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने कहा कि मराठी में ऐसा एक्शन पहली बार हो रहा है जहाँ पे मतलब कोई भी हार्नेस या कोई बॉडी डबल यूज किए बिना सारे स्टंट्स इन्होंने परफॉर्म किए हैं, और इसके पीछे बहुत मेहनत ली गई है, मतलब शूटिंग के पहले महीनों महीनों ये लोग ट्रेन कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे एक्शन के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन इस फिल्म में देखी जाएगी। हाँ, पोस्टर पे दिख भी रहा है काफी अच्छा लुक है दोनों हीरो का, तो कितनी मेहनत करना पड़ा आप दोनों को? सर कितना मेहनत करना पड़ा? 6 to 7 months हम लोग एक साथ रहे जा में, और तभी हम लोग एक साथ वर्कआउट करते थे बहुत सारी चीज़ें, पहली स्टार्टिंग में जब भी कोई नए बंदे आते हैं तो उनमें अप डाउन होते हैं, यार इसका खाना अलग है ये सब, लेकिन हम लोग ने दोनों, हम लोग मतलब पहले से, हम लोग एकदम पहले से जानते नहीं थे, लेकिन हम लोग एक साथ मिले तो ऐसा लगा ही नहीं कि कभी हरी दादा अलग है और ओम अलग है, दोनों ने एक साथ मतलब मिल के सारी चीज़ें फॉलो की, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीज़ें की। मैं मेरा फिटनेस से ऑलरेडी, मेरा प्रोफेशन ही फिटनेस है, तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले की है, तो मुझे और आसानी हो गई ये करने के लिए, और हरी दादा को भी ये चीज़ें सीखने के लिए बहुत मज़ा आ गई। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग किया हमने, फिर बीच पे हमने प्रैक्टिस की है, सारे बहुत सारी चीज़ें, स्टिक्स चलाई बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर यूथ ही दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यूथ का काफ़ी ध्यान दिया होगा फिल्म में, तो यूथ के लिए क्या संदेश है आशीष जी आपसे? देखिए, यूथ के लिए यही संदेश है कि बहुत बार ना हम क्या कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर या बाहर के कल्चर से इन्फ्लुएंस होके हमारा कल्चर क्या है, हमारी अस्मिता क्या है, ये बहुत बार भूल जाते हैं, तो ये फिल्म ऐसी है कि जो हमें फिर से हमारे रूट्स की एक अलग पहचान करा के देती है, हमें हमारी अस्मिता, हमारे कल्चर का अभिमान होना चाहिए, उसका गर्व होना चाहिए, और अगर हमें हमारे सभ्यता का, हमारे कल्चर का गर्व है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यही संदेश इस फिल्म से। हरी ओम से, ये दोनों मेरे भाई हैं, मेरा और इनका खून का रिश्ता नहीं है लेकिन विचारों का रिश्ता है, ये सबसे बड़ी बात है। एक अवार्ड फंक्शन में ये दोनों मुझे मिले थे, मैंने देखा इन नौजवानों में कुछ एक हौसला है, और अगर इनका हौसला है तो हौसला बुलंद करने के लिए हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं एक सामाजिक संगठन में काम करती हूँ, राष्ट्रीय लेवल पे काम करती हूँ, तो हमारा दायित्व है हमारी भारतीय धरोहर को, हमारी संस्कृति को। अभी डायरेक्टर आशीष जी ने बता दिया कि हमारी एक संस्कृति है, हमारी जो एक पहचान है, आज वो सब नवयुग पीढ़ी जो है वो सब भूल जा रहे हैं, तो एक अच्छा मार्गदर्शन देना, एक अच्छी संस्कृति तैयार करना, बस ये एक हरिओम के माध्यम से हम लोग दिखाना चाहते हैं, और सब इस पिक्चर को देखिए जरूर। जी जी, मी अजून एक गोष्ट मराठीत मुद्दाम सांगेन की मित्रांनो, फार प्रयास आणि फार मेहनत घेतली आहे हरिओमजींनी ॲज अ निर्माता म्हणून ह्या चित्रपटामध्ये, म्हणजे त्यांना इतक्या अडचणी आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सगळ्यांनाच, म्हणजे मोठमोठे लोक पण घरी बसले होते, प्रॉब्लेममध्ये होते,
आणि त्यांना पण अडचणी होत्या नाही अशा नाही, पण त्या अडचणींना मात करून त्यांनी इतकी मोठी हिंमत केली आणि हा चित्रपट बनवला. तर माझी विनंती आहे सर्व प्रेक्षकांना मराठी की तुम्ही आवर्जून चित्रपटगृहात येऊन हा चित्रपट बघा, कारण तुम्ही जर मराठी चित्रपट जगवला तर मराठी निर्माते तुम्हाला आणखीन चांगल्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत घेऊन येऊ शकतील. तर तो आत्मविश्वास मराठी निर्मात्यांना आणि मराठी चित्रपट सृष्टीला देण्याचं काम हे तुमचं रसिक मायबाप प्रेक्षकांचं आहे. तर हा जोडून विनंती आहे की नक्की हा चित्रपट बघायला आहे आणि मी खात्री देतो तुम्ही चित्रपट बघायला आल्यानंतर तुम्हाला आनंद होईल की आम्ही हिंदी चित्रपटाला न जाता आम्ही हा मराठी चित्रपट पाहिला, ह्याची तुम्हाला मी खात्री देतो की तुम्हाला त्या बाबतीत आनंद होईल. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की कुठल्याही प्रकारचा पाठीमागे बेस नाहीये त्यांना चित्रपट क्षेत्रातला, कुठलाही त्यांना वरती बॉस नाहीये किंवा कोण त्यांना गॉडफादर नाहीये. आणि अशा पद्धतीने एक शेतकऱ्यांच्या मुलांनी अशा प्रकारची स्वप्न खूप जण बघतात, पण स्वप्न सत्यात आणण्याचं काम केवळ हरिओमनी केलेलं आहे, हरिओम गाडगेनी केलेलं आहे. आणि ते अशासाठी करू शकले की ही जी सगळी टीम आहे त्याच्याबरोबर त्याला भाऊ भेटला एक चांगला, त्यांच्या आशिषजींसारखे डायरेक्टर मिळाले आणि सगळ्यांनी ग्राउंड लेवलला उभं राहून कोरोना काळामध्ये सगळ्या ठिकाणी बंद असताना कुठलेही दिवस त्यांना चहा प्यायला मिळत नव्हता, नाश्ता मिळत नव्हता, अशा वेळेला उपाशी राहून सुद्धा त्यांनी शूटिंग्स केलेले आहेत. आणि ह्या सगळ्याचा एक चांगला, या सगळ्यातून एक चांगला असा त्यांनी एक सार म्हणून हरिओम पिक्चर काढलेला, निश्चितपणे आपल्या देशाला एक चांगला आदर्श देणारा असा हा पिक्चर ठरणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी या पिक्चराला भरभरून आशीर्वाद द्या आणि सर्व थिएटर, मला तर वाटतंय की सगळ्यांकडनं आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स येते, खूप व्ह्यूज येत आहेत की पिक्चर केव्हा रिलीज होणार आहे म्हणून सगळे अपेक्षेने आतुरतेने वाट बघतायत या पिक्चरची. तर असा हा पहिला पिक्चर आहे की सगळे म्हणतायत, स्वतःहून विचारतायत रसिकी पिक्चर कधी, त्यामुळे या पिक्चर मधून एक चांगला आपल्याला संदेश मिळणार आहे. आणि आपण सगळ्यांनी या शुभेच्छा द्या. आणि मीडिया हे एक खूप प्रभावशाली साधन आहे आणि मीडियाच्या माध्यमातून आपण तळागाळातील ग्रामीण पासून ते इंटरनॅशनल लेवलला सगळ्या पद्धतीने आपण हा आपला मेसेज पोहोचवू शकतो. हरिओम सर, मराठी मध्ये क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी दर्शकों से, जो आपके चाहने वाले हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे मराठीमध्ये? जे समाजामध्ये बंधुप्रेम जे आहे हे आपण पाहत आहात पूर्ण समाजामध्ये, आपण या चित्रपटातून असा एक प्रयत्न केला आहे की भावबंधकी आहे, बंधुप्रेम आहे, हे एकत्रित यायला पाहिजे. आपापसामधले जे वाद आहे ते कोर्टात पोलीस स्टेशनला न जाता हा चित्रपट पाहून जर लोकांमध्ये बदल झाले आणि घराघरापर्यंत हा जर विषय पोचला तर ॲज अ निर्माता म्हणून मला खूप त्याचा आनंद होईल. आपण सर्व परिवाराने मित्रपरिवारासोबत हा चित्रपट पहा. मला या पद्धतीने जर चित्रपट अशा आपल्या समाजावरील आणि अशा बंधुप्रेम आणि सामाजिक बांधिलकीवरती प्रे चित्रपट बनवायचा खरोखरच आनंद होईल. तर आपण मला भरभरून या चित्रपटाकरता प्रेम द्या आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा चित्रपट पोहोचवा. इतकंच सबको एक बात अवश्य कहना चाहूंगी की कोरोना काल में जब सब लोग भयभीत थे, कहीं से किसी को कुछ मदद नहीं मिल रही थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा जैसे नैसर्गिक आपत्ति आ गई, बाढ़ की वजह से बहुत से लोग भूखे मर रहे थे, वहां तक उनकी गवर्नमेंट की योजनाएं भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी, उस समय हरिओम गाड़गे पूरे अपनी टीम को साथ में लेके लोगों को जो भी अत्यावश्यक सेवाएं थी, जो लोगों को चाहिए थी वो उन्होंने दी है, इसलिए पहले से आशीर्वाद उनको उस टाइप से मिल गए है. तो जाहिर है कि ये पिक्चर को तो ब्लेसिंग बहुत से मिल गए है और प्रॉपर लेवल पे, और आज भी ये पिक्चर हिट होने ही वाली है और हिट होने के बाद उसमें से ज्यादा जो भी इनकम रहेगा वो उनका सोशल एक्टिविटी के लिए जाएगा, ये उन्होंने अभी ऐलान भी कर दिया. जी जी जी, आखिर में सर आप भी. हमें ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि एक छोटा सा मैं किस्सा शेयर करूंगा आपसे. जब हमारी शूटिंग चालू थी, हमारी जब शूट चालू थी पोलादपुर में, तभी एक छोटा सा किस्सा हुआ था जिसमें हमारे शूट में हमने एम्बुलेंस को यूज़ किया था और वो किस्से में एक्चुअल एम्बुलेंस के ओनर को फ़ोन आया था कि रियल में कहाँ तो एक्सीडेंट हुआ है. हरी दादा ने एक क्षण भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि हमें लॉस हो गया चलेगा लेकिन ये एम्बुलेंस जानी चाहिए. हमने दो सेकेंड फटाफट आर्दत हमारे ना जेपन होते थे सीन सा हमने ये किए और एम्बुलेंस को दादा ने खुद के बारे में नहीं सोचा लेकिन एम्बुलेंस को जाने दिया. एक चीज़ बोलूँगा मैं, हम लोग महाराष्ट्र में रहते, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, इनका DNA हम सब में है. कोई भी बहुत सारी जगह से आप कुछ भी चीज़ें सोचो लेकिन इनका DNA हमारे में है. और वैसे ही ये जो दो भाई जो तानाजी और सूर्याजी जो थे उनके शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे दो, वैसे ये आधुनिक मावले इधर के जो हरि और ओम है.
ये मैं छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि आप सबको देखना है कि ये मावड़े, ये जनरेशन के मावड़े कैसे होते हैं। तो अगर वो कैसे होते हैं देखना है तो ये हमें हरिओम मूवी में आके देखना। फिल्म का जो इनकम होगा उसमें से काफ़ी हिस्सा चैरिटी में जाएगा, क्या कहना है? सर, चैरिटी का दादा ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि तानाजी उमरट, जो तानाजी का जो गांव है उमरट में, वहाँ पे लोग बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन दादा ने उधर जहाँ पे उनका वास्तु है, जहाँ पे वास्तु है उनकी, वहाँ पे घर बांधने का दादा ने ऐलान किया है। बल्कि जो जगह अभी वो पूरी खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे घर बांधने का ऐलान दादा ने किया। तो ये सबसे बड़ी बात है हम महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के लिए, कि आज जिनके बारे में हम लोग हम पिक्चर में जाके देखते हैं, हाँ, जिनके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन उनका घर वहाँ पे वास्तु जो है वहाँ पे है ही नहीं वहाँ पे, तो वो बांधने के लिए सबसे पहला दादा का प्रॉमिस ऐलान है इसमें। हाँ, मैं ये सबसे जरूरी बात कहना चाहूँगा कि आता इतकं सगळं बोलणं झालं पिक्चरबद्दल, समाज कार्याबद्दल, पिक्चरमध्ये जे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला त्याबद्दल, पण एक नक्की सांगेन प्रेक्षकांना की हा फुल धमाल पिक्चर आहे, ह्याच्यामध्ये ॲक्शन आहे, ह्याच्यामध्ये इंटरेस्टिंग गाणी आहेत, कॉमेडी आहे, रोमॅन्स आहे, मग असं समजू नका की समाज प्रबोधन आहे म्हणजे थोडंसं रटाळ कथानक असेल, बिलकुल नाही, हा स्टार्ट टू अँड फुल टू धमाल चित्रपट आहे, आणि जे बघून तुम्हाला खूप आनंद होईल, आणि चित्रपटगृहातून बाहेर जाताना मराठी असल्याचा अभिमान बाळगून तुम्ही चित्रपटगृहाच्या बाहेर चालत जाल, हे नक्की सांगेन। आणि ही संतांच्या आणि वीरांच्या भूमीमध्ये असे हरिओम सारखे मावळे जन्माला आलेले आहेत, आणि त्यांच्यामध्ये असणारी जी प्रगल्भता आहे ही हेरल्यामुळे, जसे आपण हिरे माणके शोधतो अशा पद्धतीचे दोन मावळे आहेत। आशिषजीने आता सगळं आपल्याला सांगितलेलं आहे, आणि ज्या पद्धतीने नरवीर उमरट हे एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे, जिथे तानाजी मालुसरे यांचं ते ठिकाण आहे, जन्मस्थळ आहे, आणि तानाजी पिक्चर हा सगळ्यांनी प्रेक्षकांनी डोक्यावर भरभर घेऊन नाचलेला आहे। पण हा पिक्चर ज्यावेळेला तुम्ही बघाल त्यावेळेला तुम्हाला 350 वर्षापूर्वीचा इतिहास असेल, आमची भारतीय संस्कृती असेल, आमची कौटुंबिक वातावरण असेल, पारिवारिक फिल्म असेल, आणि आत्ताचे नवयुगातील मावळे हे कसे असतील तर हरिओम सारखे असतील। तरुणांना जाणारा चांगला संदेश आहे, याच्यामध्ये आईची विरहता आहे, याच्यामध्ये दोन भावांचं प्रेम आहे, प्रेमी युगल आहे, आणि कॉमेडी आहे, आणि अन्याय आणि भ्रष्टाचार विरुद्ध कसं लढायचं हे सुद्धा यामध्ये दाखवलेलं आहे। त्यामुळे सर्वांगीण असा हा पिक्चर सगळ्यांनी पाहावा अशी परत एकदा आपल्या सगळ्यांना विनंती। धन्यवाद। रसिक प्रेक्षकांनो, आज हरिओम चित्रपटाचा टीझर आम्ही रिलीज केला आहे, तर प्लीज टीझर बघा, टीझरला भरभरून प्रतिसाद द्या, लाईक्स, तुमचे कमेंट्स, तुमचं सबस्क्रिप्शन सगळं द्या, तुमचा प्रेम द्या, आणि लवकरच हरिओम चित्रपट अनाऊन्स आम्ही करा, सॉरी, आणि लवकरच हरिओम चित्रपट कधी अनाऊन्स होणार आहे तेही आम्ही तुम्हाला लवकरच सांगू, लवकरच हरिओम चित्रपटाची रिलीज डेट आम्ही तुम्हाला कळवू। तर हरिओम पेजला फॉलो करा, आमच्या टीझरला भरभरून प्रतिसाद द्या, आणि तुमचं प्रेम आमच्यापर्यंत येऊ द्या। थँक्यू।